हाँ सर बताए, आज मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह जी का और योगी आदित्यनाथ जी का और नीतीश कुमार जी का जो पुतला दहन किए हैं, उसका सर मूल कारण बताए कि आप पुतला दहन सर क्यों किए हैं। पुतला दहन करने का मूल कारण है कि भारत सरकार ने जो कहा है कि हम गरीबों को उनके घर तक 85% की छूट देंगे, ये सिर्फ एक झूठ है, छलावा है। ये किराया असूल रहे हैं। भारत सरकार ने अपने लेटर में भी दिया है कि हम किराया नहीं असूल कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में किराया असूली किया जा रहा है। वो पैसा असूली करके किसके खाते में गया है? भारत सरकार इस देश की जनता के साथ छलावा के अलावा, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा मोदी सरकार ने इस देश की जनता को कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया है, योगी आदित्यनाथ का किया, हमने नीतीश कुमार का किया है, गृह मंत्री का किया है, क्योंकि ये सब जितने भी ये नेता हैं आज के टाइम के अंदर गरीब जनता के पैसे से ये आज ऐश मौज कर रहे हैं, वहां पे बैठ के जा रहे हैं। 3000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हैं ये गुजरात के अंदर, लेकिन 100 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों के ऊपर नहीं खर्च करके इनको घर तक नहीं भेज सकते हैं। 100 करोड़ रुपया ट्रंप के ऊपर 2 घंटे के अंदर खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब मजदूरों को नहीं भेज सकते हैं। अब इन्होंने सारी सुविधा केंद्र सरकार के पास है। यदि केंद्र सरकार आज चाह ले तो 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान में जितने भी हैं गरीब मजदूर, वो सब के सब अपने घरों को जा सकते हैं, लेकिन मनसा सही नहीं है केंद्र सरकार की। सर, लॉकडाउन के अवधा में प्रधानमंत्री जी जो हवाई जहाज खरीदे हैं सर, उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो सोचने की बात है कि 8000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी पर्सनल एरोप्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए नहीं। और मैं तो इस गरीब जनता से, देश की जनता से आज ये कह रहा हूं कि जो इस लॉकडाउन के अंदर जो कंपनियां आपको 2 टाइम का खाना नहीं दे रही है, कल ये आज ये प्रतिज्ञा कर लो आप लोग कि उस कंपनी के ऊपर बड़ा वाला लिंक ताला लटकाने का आप काम करना। ऐसी कंपनियों में कभी मत काम करना जो इस बुरे टाइम के अंदर आपका साथ छोड़ दिया है, आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दी गई है। तो ऐसे कंपनी को, और ये भी प्रतिज्ञा कर लो कि 1 साल तक के लिए जितने भी हिंदुस्तान में गरीब मजदूर हैं, वो 1 साल तक के लिए अपने घर पे रहें, भारत सरकार को उसकी औकात समझ में आ जाएगी। और जो भी चुनाव आए, आप लोग समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के दुश्मन हैं, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आज इस 42 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये सिद्ध कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों की दुश्मन है, गरीबों को मार देना चाहती है। ये एक मास्टर प्लान है इस देश के अंदर। सर, आवेदन के जरिए से लोग घर आने के लिए आवेदन कर रहे हैं, मगर प्रशासन के द्वारा अलग अलग शहरों में उसे पैसा अवैध लेना। सोचो ना कि जो भारत सरकार ने कहा है कि जिसको घर जाना है वो ऑनलाइन आवेदन करे, गरीब मजदूर जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, वो व्यक्ति अंगूठा छाप बहुत मात्रा में होते हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो व्यक्ति वहीं भूखे प्यासे मर जाए। सबसे ज्यादा शिकार गुजरात के अंदर गरीब मजदूर हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, और तमिलनाडु में हो रहे हैं, क्या कहते हैं ये बेंगलोर में हो रहे हैं। तो ये खास तौर से जहां हिंदी भाषी का विरोधी है जो प्रदेश, वहां पे सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वालों को आज दिक्कत हो रही है, वहां प्रशासन मारता है उनको। खाने के लिए जाते हैं ये कोई सामान खरीदने तो प्रशासन मारता है, इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ आप यहीं से अंदाजा कर लो ना, दारू बिकवाना बहुत जरूरी था, दारू बिकवाना बहुत जरूरी था क्योंकि माल आना है उसके अंदर। आज गरीब जनता की, किसी की जान की किसी सरकार को परवाह नहीं है। दारू में आमदनी ज्यादा है तो देख लीजिए, आज कोई लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं, दारू के ठेके चलाने के लिए सबके। तो भारत सरकार ने हर दुकान को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी? देना चाहिए। तो इसीलिए बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों की, मिडिल क्लास व्यक्तियों की दुश्मन है। ये लोग
उद्योगपतियों के गुलाम है और उद्योगपतियों की बढ़ावा देने के लिए, तभी तो आप देख लीजिए इस लॉकडाउन के अंदर 63,000 करोड़ रुपया जो बैंकों का लोन था, वो सारे गुजरात के जो भी इनके नरेंद्र मोदी के यार दोस्त थे, विजय माल्या, नीरव चौकसी और ये एक हीरा व्यापारी जो है, उसका सबका लोन माफ कर दिया गया है और जनता को गुमराह किया हुआ है। सर, करोड़ों के तादाद में लोग फंसे हुए आपके पास कॉल करते हैं बेसहारा, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो आज इस बुरे टाइम के अंदर जो राजनीतिक दल आपका साथ नहीं दिया है, कल आप भी उसका साथ नहीं देना। ऐसे राजनीतिक दलों से आप बच के रहिए, क्योंकि ये आपके हमदर्द नहीं है। हाँ, आज देख सकते हैं आप कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज 6 मई को भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी के द्वारा अपने निवास पे इन चारों व्यक्तियों का पुतला दहन करते हुए आप देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी के द्वारा अपने आवास के सामने दहन किया जा रहा है। आप देख लीजिए इन चारों व्यक्तियों का आज भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी के द्वारा भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी के निवास पे पुतला दहन कर रहे हैं। मोदी, नीतीश, अमित शाह, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी, नीतीश, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी, नीतीश, अमित शाह, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी, नीतीश, अमित शाह, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब जनता के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।